जब जम्मू पुलिस की टीम लेड बाय एसएसपी जम्मू हमारी टीम जब ये अमित राणा को पकड़ने गई तो उनपे अमित राणा ने फायरिंग की अपने पिस्टल से और बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करते हुए जम्मू पुलिस की टीम ने उसको जिंदा दबोच लिया और उसके वेपन्स को रिकवर कर लिया। तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पे है, बहुत जल्द ही हम इसके पूरे कॉन्स्पिरेटर्स का और पूरे एसोसिएट्स का पता लगा लेंगे और उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू पुलिस जम्मू को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हम किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे जम्मू को सेफ रखने के लिए। इस तरह के वारदात जम्मू में बर्दाश्त नहीं हो सकते और आइंदा किसी ने जरूरत की इस किस्म की तो और भी सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। अब जो दिलचस्प बात इसमें यह है कि अमित राणा ये एलियास है, ये बहुत बड़े कॉनमैन की तरह यहां घूम रहा था और इसका असली नाम है हरप्रीत सिंह जो कि तलोचन सिंह वजीर केस का मास्टरमाइंड है। तो इस एफर्ट से तलोचन सिंह वजीर केस मर्डर केस के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया और राकेश अग्रवाल के केस के डिकॉयटी केस का भी सॉल्व कर लिया गया। सर और भी कोई सामने नहीं है, प्रोसेस क्या रहा सर इनका वहां तक पहुंचने का, घर पर क्या रखा अमित राणा ने कुछ फेक डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी? बिल्कुल सही है, जैसे मैंने कहा कि वो एक बहुत बड़ा कॉनमैन था और उसने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए थे, कुछ बढ़ती पब्लिक किस्म का किस्सा भी सामने आ रहा है, उस पर भी तफ्तीश चल रही है। अभी तक 5 गिरफ्तार, सर रिकवरी होने के 2 पिस्तौल, 5 लाख कैश और जो यूनिफॉर्म्स वगैरह यूज हुए थे जो साइबर पुलिस की यूनिफॉर्म जो बना के वो गए थे वो सब बरामद कर लिए। सर हम देखें कि पंजाब में बहुत सारे गैंगस्टर्स जो है वो सामने आए थे पिछले कुछ दिनों में, सिद्धू मूसेवाला का हमने वो भी देखा, क्या ये वहीं के गैंगस्टर्स हैं और यहाँ फिर जम्मू में इनका नेटवर्क चल रहा था? 10 में से 9 लोग जो इसमें शामिल हैं जो उस दिन वारदात के दौरान आए थे वो पंजाब के थे और उसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट हुए थे इस घर को रेकने, जो उस दिन वारदात के दौरान आए थे वो पंजाब के थे और उसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए थे इस घर को रिकनेसेंस करने के, उसमें कुछ और सदस्य आए थे जो पंजाब के रहने वाले थे और उन्होंने भी आके रेकी की थी। आपको मैं ये बताता चलूं कि मकसद डेकोर्टी नहीं था शुरू में, मकसद था चौधरी नागर सिंह को वहां बुला के उसका कत्ल करना, मेन मकसद ये था। जब इसमें ये नाकाम हुए इन्होंने डकैती को अंजाम दिया। रंजीश रेड्डी नागर सिंह के साथ क्या रीजन था कोई? इस पे तफ्तीश चल रही है, बहुत जल्दी इसका भी खुलासा कर दिया। बिजनेस रेवेन्यू हायर किया है किसी ने जैसे? हो सकता है, इस पे मैं कह रहा हूँ कि तफ्तीश चल रही है, शुरुआती तफ्तीश है, इस पे बहुत जल्द आपको आगे का खुलासा। अग्रवाल को क्यों सिलेक्ट किया गया नागर को बुलाने के लिए अपने घर पे? पूछताछ जारी है।